बाइक सवार दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक व्यक्ति से दिनदहाड़े 50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर हुए फरार। मुरादाबाद जनपद के मूंढा पांडे थाना क्षेत्र की नंगला चौकी क्षेत्र कर्णपुर चौक पर घात लगाए बैठे दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से तमंचे के बल पर 50,000 रुपए की नदी लूट कर हुए फरार। आपको बताते चले, भगतपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी अरशद अली अपने घर के रखे पुराने सोने के आभूषण किसी जरूरी काम के लिए रामपुर में गिरवी रखकर घर लौट रहा था। जैसे ही घर लौटते वक्त मूंढा पांडे थाना क्षेत्र के कर्णपुर चौराहे पर अरशद अली नामक व्यक्ति पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए बैठे दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने अरशद अली से तमंचे के बल पर 50,000 रुपए की नकदी लूट कर मौके से घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। लूट हो जाने के बाद में ग्रामीणों व राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी और अरशद अली नामक व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करने में जुट गई, लेकिन पुलिस के अभी तक कोई भी सुराग लुटेरों का हाथ नहीं लगा है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस को पूरी आपबीती बता दी है और अब पुलिस मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी कोई भी 50,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाला लुटेरा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। भाई क्या नाम है आपका? अरशद अली। भाई जो ये लूट हुई थी, क्या लूट हुई थी और क्या आप बेचकर आ रहे थे, कौन से चौराहे पे हुई थी? मैं रामपुर गया था कीर्ति लाला के पास, मेरी सिस्टर का ज्वेलरी वो लेके गया था मैं, वहाँ गिरवी रख आया, 50,000 रुपये लेकर आया। वहाँ से मैं मुरादाबाद गया, मुरादाबाद जाके मैं एक गाड़ी की किस्त जमा करनी थी, वो किस्त जमा करके आया। फिर वहाँ से मैं अपने अंकल के घर गया रामपुर दोराया, वहाँ 1.5-2 घंटे में वहाँ रुका। उसके बाद जैसे ही मैं निकला, उससे निकलने के बाद में एक आगे होटल आया, वो खोका सिगरेट बीड़ी का खोका जो था रामपुर दोराया चौराहा। अच्छा। तो मैं वहाँ रुका, मैंने सिगरेट पी, सिगरेट पीने के बाद में मैं खड़ा था तो वो खोके वाला बाहर निकल के आया। उसने मुझे उस पर डाउट हुआ कि ये चरसी शराबी सा लग रहा था वो देखने में। फिर मैं अपनी बाइक उठाई और मैं आने लगा। आने के बाद में मैं सीधा अपने घर जा रहा था, करणपुर से 1 किलोमीटर आगे मेरे साथ ये वारदात हुई। दो व्यक्ति थे पल्सर बाइक से आए, काले कलर की, एक पीछे मोटा सा बैठा था और पतला सा चला रहा था। उन्होंने तमंचा निकाला और मेरे रख कर 50,000 रुपये लूट कर ले गए। मेरा मोबाइल नहर के पार फेंक दिया था। पुलिस कितनी देर बाद में पहुंची? पुलिस को मैंने फ़ोन किया, पुलिस पहुंची 15 मिनट के बाद कम से कम। फिर किस तरीके की उन्होंने शामिल करी? उन्होंने फिर वही सारी बातें अलग अलग सब लोग रिपीट कराते रहे। जो भी आ रहे, दीवान जी आए तो, वो दरोगा जी आए तो, एस ओ जी आए तो, और जो जो भी आते रहे, मतलब अलग अलग उससे बार बार तहकीकात करते रहे मुझसे। क्या बेच के आ रहे थे आप? जी बेच के क्या आ रहे थे? मैं गिरवी रख के आ रहा था ज्वेलरी। अच्छा, पुलिस को तहरीर आपने दे दी है? जी हाँ, अभी तहरीर दे दी है। अच्छा, किस तरीके की मदद की गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? जी मैंने कहा है क्या मेरे पैसे दिलवाए जाएं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आगे अगली बार कोई ऐसी वारदात ना हो। रोड होल्ड ये सब, अगर दिन दहाड़े रोड होल्ड होंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा, कोई शिनाख्त कर पाए आप? शिनाख्त तो मुझे नहीं हो पाई है, लेकिन एक मोटा सा था, एक पतला सा था। अगर दिन दहाड़े लूटे होंगे तो फिर रात में क्या होना है? अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर आपसे 50,000 की लूट हुई है? ये क्या लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है।